किसानों की मांग के अनुसार एमएसपी तय करने से लेकर एक कमिटी बनाने की बात कही गई थी। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी हुई थी। विदेश से कालाधन वापस कितना वापस आया, ये सारे सवाल जनता के हैं, लेकिन इनके जवाब गोलमोल मिलते हैं। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। कृषि बिल लाने और फिर वापस लेने के बाद पेश हुए देश के बजट में किसानों के लिए ऐलान तो बड़े हुए, सवाल भी खूब उठे। जैसे एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया, गंगा किनारे रसायन युक्त ऑर्गेनिक खेती की योजना है, 44,000 करोड़ के खर्च से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से 9,00,000 किसानों को फायदे की बात है, फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड और कीटनाशक छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की बात की गई, कृषि स्टार्टअप को नाबार्ड से फंड मिलेगा। लेकिन देश के करोड़ों किसानों की जो आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, जब बजट के बाद अपने अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती वित्त मंत्री से वो बात याद कराते हुए पूछा गया कि कब तक आय किसानों की अब दुगनी होगी, वित्त मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से जवाब आया। So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. इसके बाद वित्त मंत्री ने भी जवाब दिया, लेकिन आय कब तक दोगुनी होगी, जबकि तय लक्ष्य का साल आ गया, इस पर खुलकर साफ जवाब नहीं आया, सिवाय इस बात के कि कार्य प्रगति पर है। ठीक उसी तरह जैसे विदेश से काला धन लाने का मुद्दा 2014 के चुनाव से भारत की जनता के सामने खूब उछाला गया, बजट के बाद जब सवाल हुआ कि विदेश से कितना काला धन आया, कोई आंकड़ा है क्या, तो जवाब यहां भी मिला, कार्य प्रगति पर है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है। विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए, सो वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट। इस तरह किसानों की आय दोगुनी कब होगी और विदेश से काला धन कितना आया का जवाब गोलमोल हो गया। साफ साफ इतना रहा कि टैक्स छूट न मिलने पर निराश आम आदमी टैक्स नहीं बढ़ा, इसी राहत को अमृत मानकर राष्ट्र निर्माण में जुटा रहे। आज तक ब्यूरो।